हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल नई और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ जो सर्दियों में बहुत ही अच्छी लगेगी आप लोगों को। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही कम चीज़ों से बनकर तैयार हो जाती है। आप ये रेसिपी अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बोल चाहिए होगा। बोल में मैंने करीब 2 अंडे घिस लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। कद्दूकस मैंने इससे किया हुआ है, ये जनरली हर घर में होता है तो आप इससे इजीली कद्दूकस कर सकते हैं। तो करीब 2 अंडे हैं जो मैंने कद्दूकस करके डाले हैं बाउल में। इसके बाद एक आलू मैश करके, इसको भी मैंने कद्दूकस किया हुआ है, एक आलू इसमें डालेंगे कद्दूकस करके। इसके बाद मैंने इसमें कटी हुई हरी प्याज मिलाई है। हरी मिर्च थोड़ी सी, हरी मिर्च मिलाने के बाद इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी, फिर हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम करीब 2 बड़े चम्मच ब्रेड क्रम डालेंगे। मैंने ब्रेड क्रम बहुत ही आसानी से मिक्सर ग्राइंडर में बनाया हुआ है। करीब 2 से 3 ब्रेड मैंने लेके ग्राइंड कर दिया, तो इस तरह से बहुत आसानी से बन गया। ब्रेड क्रम डालने से बाइंड अच्छे से होगा इसलिए मैंने डाला करीब 2 बड़े चम्मच, आप भी डाल दीजिएगा ऐसे ही। तो ये देखिए आटा हमारा कुछ इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसे अपने हम मनचाहे शेप दे देंगे। आप चाहे टिक्की रख सकते हैं, आप चाहे इसे राउंड शेप में रखें या सर्कल में रखें या लंबाई में रखते हैं। मैं इसे ट्राइंगल में रखूँगी, वो जैसा भी शेप अच्छा लगे आप वैसा दो। तो मैं इसे थोड़ा ट्राइंगल शेप में रखूँगी। तो इस तरह से कुछ मैं बना लूँगी अपने हाथों से ट्राइंगल शेप में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा ट्राइंगल शेप में। देखिए कितना आसान है इसे बनाना। इसके बाद मैंने गैस ऑन किया, पैन में तेल डाला है। अब हम तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। तो ये देखिए हमारे ट्रायंगल्स बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने एक अंडा, उसको मैंने विक्स करके रख लिया है, और ब्रेड क्रम है। अंडे को पहले तो हम अपने ट्रायंगल्स को अंडे में डालेंगे। अंडे में डालेंगे इसलिए क्योंकि इसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम लगाएंगे, तो जिससे कि ब्रेड क्रम जो है अच्छे से चिपक जाए, इसलिए हम पहले से अंडे में डिप करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम अपने पकौड़ों के ऊपर ब्रेड क्रम लगा लेंगे। इसे अच्छे से लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने अपने एक ब्रेड क्रम डाल दिए हैं पैन में, दूसरा मैं डाल रही हूँ। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं आँच होनी चाहिए, मीडियम में होना चाहिए। तो ये देखिए हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हम इसे पलट लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे पकौड़े बनकर तैयार हैं। लग रहा है ना ये खूबसूरत? आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।